नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के हमारे इस स्पेशल वीडियो में आप सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लंग्स यानी फेफड़े हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं। दोस्तों, ये जो लंग्स होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को एंटर करने का काम करते हैं। ये रक्त को शुद्ध करके उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और उसके स्थान पर रक्त के अंदर ऑक्सीजन को एंटर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये शुद्ध रक्त दिल तक पहुंचता है और दिल इसे पंप करके शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाता है। और इस प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर के अंगों को, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को काम करने की शक्ति मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के लंग्स कमजोर हैं तो थोड़ा सा चलने पर ही उसकी सांस फूल जाती है। उसे अगर थोड़ी सी सर्दी लग गई या खांसी हो गई तो उसके फेफड़ों के अंदर म्यूकस जमा होने लगता है। फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी बन जाता है और सांस लेने में बड़ी दिक्कत होने लगती है। दोस्तों, इन्हीं लक्षणों को हम जनरली दम्मा या अस्थमा के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के लंग्स ठीक से काम नहीं करते उन्हें थोड़ा सा चलते ही या सीढ़ियां चढ़ते ही उनकी सांस फूलने लगती है, क्योंकि उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो आपके फेफड़ों को शक्तिशाली बना के आपके रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये दवाएं लंग्स को डिटॉक्स भी करती हैं। दोस्तों, यदि लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो गई है, लंग्स के अंदर की नलियां सिकुड़ गई हैं या उनके अंदर कफ चिपक गया है, बहुत ज्यादा म्यूकस इकट्ठा हो गया है जिससे लंग्स के अंदर कंजेशन हो गया है, ये दो होम्योपैथिक मदर टिंचर उसे ठीक करने का काम करती हैं। और यदि ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको बार बार अस्थमिक अटैक आ रहे हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो इन सारी कंडीशन को ये दो होम्योपैथिक मदर टिंचर हमेशा के लिए ठीक कर देती हैं। दोस्तों, ये जो दो होम्योपैथिक मदर टिंचर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। इन्हें बहुत सारे लोगों पर आजमाया गया है और इनके बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिले हैं। दोस्तों, इनमें जो सबसे पहला मदर टिंचर है इसका नाम है एस्पेडियोस्पर्मा मदर टिंचर। दोस्तों, ये फेफड़ों के टॉनिक के रूप में काम करता है। इसका काम लंग्स के फंक्शन को इंप्रूव करना होता है। दोस्तों, ये लंग्स को ताकत देता है, खून के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, हमारे फेफड़ों के अंदर की जो नलिकाएं होती हैं वो बंद होने लगती हैं फाइब्रोसिस के कारण, तो एस्पेडियोस्पर्मा उस कंडीशन को भी ठीक करता है। दोस्तों, एक कंडीशन होती है कार्डियक अस्थमा उसे बोलते हैं, जिसमें आपको हृदय की समस्या के चलते अस्थमा के अटैक आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी एस्पेडियोस्पर्मा देने से ये लक्षण पूरी तरीके से ठीक किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन की जो दूसरी दवाई है इसका नाम है ब्लाटा ओरिएंटेलिस। दोस्तों, इसको सूखी खांसी या ब्रोंकाइटिस के केसेस में यूज किया जाता है। यदि किसी के फेफड़ों के अंदर बलगम भरा पड़ा हो और वह बार बार खांसने से भी बाहर नहीं निकल रहा हो तो इस कंडीशन में ब्लाटा ओरिएंटेलिस देने से वो कप ढीला होकर बाहर निकल जाता है। यानी कि ब्लाटा ओरिएंटेलिस आपके फेफड़ों को डिटॉक्स करने का काम करती है। फेफड़ों के अंदर जो गंदगी जमा हो गई है ब्लाटा ओरिएंटेलिस उसको बाहर निकाल देती है। दोस्तों, इस दवाई का मुख्य काम ही फेफड़ों की कंजेशन को खत्म करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इन दवाइयों का यूज करने का तरीका आपको समझा देता हूं। आप आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर 15 बूंदे एस्पेडियोस्पर्मा की डालिए और 15 बूंदे ब्लाटा ओरिएंटेलिस की डालिए। इसको आपको एकदम से नहीं पीना है, धीरे धीरे करके सिप सिप करके पीना है। तो आप इसको इसी प्रकार दिन में 3 बार पीजिए। इसी प्रकार लगातार 10 दिन तक लेने से आपके फेफड़े पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे, आपकी सांस लेने की तकलीफ दूर हो जाएगी, आपकी सांस फूलने की तकलीफ दूर हो जाएगी और आप अपने शरीर में एक नई ताजगी का अनुभव करेंगे, क्योंकि आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दोस्तों, यदि आपके फेफड़े डिटॉक्स हो गए हैं, बलगम बाहर निकल गया है, इन्फेक्शन खत्म हो गया है, तो आप ब्लाटा ओरिएंटेलिस को बंद कर दीजिए। फिर आपको केवल एस्पेडियोस्पर्मा लगातार 2-3 महीने तक लेनी है। दोस्तों, यह आपके फेफड़ों के टॉनिक के रूप में काम करेगी, आपके फेफड़ों को शक्तिशाली बनाएगी और आपके फेफड़ों से संबंधित समस्त प्रकार की समस्याएं इस दवाई से ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप होम्योपैथी में रुचि रखते हैं तो आप मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी जरूर करें। आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।